दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5.56 mm इंसास राइफल के इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जानेंगे इंसास राइफल की परिचय, उत्पत्ति और विशेषताएं। साथ ही जानेंगे कि इंसास राइफल को जब डिजाइन किया गया था तो डिजाइनर ने किन किन गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए इस राइफल को डिजाइन किया था। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए सबक को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंसास राइफल को बनाते समय गाइडलाइन फॉर द डिजाइनर, डिजाइनर ने किन गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए इस राइफल का डिजाइन तैयार किया था। सबसे पहली बात रेंज। इस राइफल पर रेंज को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया था बनाते समय। इससे पहले जो राइफलें इस्तेमाल हो रही थी, तो यदि बात की जाए 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, जिसे कि SLR कहा जाता है, उस पर जो रेंज ग्रेजुएशन दिया गया था, उसके रेंज ग्रेजुएशन में 200 गज से 600 गज की रेंज दी गई थी। और यदि बात करें AK-47 राइफल की, तो AK-47 राइफल पर भी जो बैक साइड का रेंज ग्रेजुएशन, यानी कि रेंज जो दी गई थी बैक साइड पर, AK-47 पर 100 मीटर से 800 मीटर और AKM पर 100 मीटर से 1000 मीटर तक की बैक साइड पर रेंज दी गई थी। एक आम फायरर जो होता है वो अधिकतम 300 गज तक टारगेट को आसानी से देख सकता है और उसे फायर करके बर्बाद कर सकता है, और उससे ज़्यादा दूरी पर यदि दुश्मन हो, यानी कि 400 गज, 500 गज, यानी कि 1000 गज तक भी, तो वहाँ तक एक आम फायरर अपनी आँखों से, नॉर्मल आँखों से, बिना टेलीस्कोप साइट या अदर साइटों का, एडिशनल साइटों का इस्तेमाल किए बिना 300 गज से ऊपर के दुश्मन को क्लियर रूप से नहीं देख सकता और उसे एंगेज भी नहीं कर सकता। इसीलिए इस राइफल पर जब डिज़ाइनिंग किया गया तो बैक साइड पर रेंज को ध्यान में रखते हुए 200 मीटर और 400 मीटर की रेंज का प्रावधान दिया गया है। अगला पॉइंट है पेनिट्रेशन। भेदन क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए इस राइफल के एमिनेशन को तैयार किया गया है। अगला पॉइंट होता है वाउंडिंग इफेक्ट, यानी कि घाव करने का प्रभाव कितना हो, तो वो आपके पेनिट्रेशन पावर से ही संबंधित है। आगे की IOC में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। अगली पॉइंट को ध्यान में रखा गया था एक्यूरेसी। इंसास राइफल की एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन है अन्य राइफलों की अपेक्षा, जैसे कि 47 या SLR को जब इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी एक्यूरेसी की अपेक्षा इंसास राइफल की एक्यूरेसी पिन पॉइंट पर ही लगती है। वो क्यों ऐसा होता है वो आगे की IOC में हम उसे क्लियर करेंगे। रेट ऑफ फायर को भी ध्यान में रखा गया कि इसका रेट ऑफ फायर अच्छा होना चाहिए। वेट, इससे पहले कि इस्तेमाल की जा रही सेल्फ लोडिंग राइफल का वजन ज़्यादा था, लंबाई भी ज़्यादा थी, तो उन नीचों को रिड्यूस करते हुए इस राइफल को डिज़ाइन करते समय डिज़ाइनर ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि इस राइफल की वेट जो हो, यानी कि वजन, वो अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट होता है लेंथ एंड अदर कॉमन रिक्वायरमेंट। वही बात है कि राइफल की लंबाई को ज़्यादा बड़ा ना किया जाए, मतलब ऐसा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसका तैयार किया जाए कि इसे आसानी से कैरी किया जा सके और इसका इस्तेमाल भी बड़ी आसानी से किया जा सके। इन सारी चीज़ों को डिज़ाइनर ने ध्यान में रखते हुए इस राइफल का डिज़ाइन तैयार किया था। अब बात करते हैं शॉर्ट कमिंग इन प्रेजेंट सिस्टम। इंसास राइफल के आने से पहले जो राइफल हम इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि सेल्फ लोडिंग राइफल या AK-47 राइफल, उनमें क्या क्या कमियां थी जिस कारण के इंसास राइफल को लाने का विचार किया गया था। सबसे पहला पॉइंट होता है नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। उस समय इस्तेमाल किए जा रहे हथियार सेल्फ लोडिंग राइफल या AK-47, इन दोनों राइफलों के काम करने के सिद्धांतों में यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक समानता नहीं थी। इसीलिए इस राइफल को रिप्लेस करके इंसास राइफल को लाने के लिए विचार किया गया। अगला पॉइंट बोलता है नो यूनिफॉर्मिटी और एमुनेशन यूज। इन राइफलों में जो एमुनेशन यूज हो रहा था, सेल्फ लोडिंग राइफल की बात की जाए तो 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल भी 7.62 mm कैलिबर की ही थी, और AK-47 राइफल की यदि बात की जाए तो वो भी 7.62 mm कैलिबर की ही थी। दोनों का कैलिबर सेम था, फिर भी उनमें इस्तेमाल होने वाले एमिनेशन अलग अलग हुआ करते थे। सेल्फ लोडिंग राइफल पर 7.62 mm इंटू 51 mm राउंड का इस्तेमाल होता था, और AK-47 राइफल पर 7.62 mm इंटू 39 mm एमिनेशन का इस्तेमाल होता था। तो इनके एमिनेशन के यूज़ होने में भी अलग अलग टाइप के एमिनेशन यूज़ हो रहे थे, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लमेटिक फॉर स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर कार्य करने के सिद्धांत और इस्तेमाल किए जाने वाले एमिनेशन में अंतर होने के कारण प्रॉब्लमेटिक कहीं ना कहीं यह कठिन था स्टूडेंट को सिखाने और इंस्ट्रक्टर द्वारा सिखाए जाने पर। इन चीज़ों को भी दूर करने के लिए इंसास राइफल को बनाया गया। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, उन पुराने हथियारों सेल्फ लोडिंग राइफल या AK-47 पर कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का खर्च ज़्यादा आता था। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो बेसिक वेपन सेल्फ लोडिंग राइफल इज बल्की हैवी एंड मोर रिक्वायर्ड। उस समय इस्तेमाल किए जा रहे बेसिक वेपन जो कि उस समय का बेसिक हथियार था सेल्फ लोडिंग राइफल, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बल्की था, हैवी यानी कि भारी था और मोर रिक्वायर्ड, फायर करने के दौरान जो पीछे का झटका आता है उसे रिक्वायर्ड कहा जाता है, उसका रिक्वायर्ड ज़्यादा था। सेल्फ लोडिंग राइफल का रिक्वायर्ड की यदि बात की जाए तो उसका रिक्वायर्ड का जो वेट था वो 15 जूल का था। उसे कम करके यानी कि रेड्यूस करके इंसास राइफल पर 4.43 जूल पर ला दिया गया। मतलब जो 15 जूल का रिक्वायल का जो एनर्जी थी पीछे राउंड फायर होने के बाद जो झटका लगा करता था वो सेल्फ लोडिंग राइफल पर 15 जूल का झटका लगा करता था, उसे रेड्यूस या कम कर इंसास राइफल पर 4.43 जूल पर कन्वर्ट कर दिया गया। अगला पॉइंट बोलता है SLR यूजिंग हाई पावर एमिनेशन। सेल्फ लोडिंग राइफल पर हाई पावर के एमिनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे भी कम करने के लिए इंसास राइफल को बनाया गया। सेल्फ लोडिंग राइफल से अगला पॉइंट होता है सिंगल शॉट। इस सेल्फ लोडिंग राइफल से सिंगल शॉट का ही फायर किया जा सकता था, लेकिन इंसास राइफल पर सिंगल शॉट के साथ साथ एक TRB का मोड भी दिया गया। आगे की IOC में हम TRB मोड को क्लियर करेंगे कि यह TRB मोड क्या होता है और राइफल पर यह किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं 5.56mm इंसास राइफल के ओरिएंटेशन के बारे में। 5.56mm इंसास सिस्टम, इंसास की अगर बात की जाए तो INSAS ये जो वर्ड बना हुआ है इसका पूरा मीनिंग होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। अब इसके डेवलपमेंट की अगर बात की जाए कि किस प्रकार से इसको बनाना शुरू किया गया और किस प्रकार से ये लास्ट में हमारे पास बनकर तैयार हुई और इसका किस प्रकार से पहली बार लड़ाई में यूज़ किया, सबसे पहला पॉइंट होता है डेवलप्ड सिंस द मिड 1980s अंडर ARDE। इस राइफल का डेवलपमेंट सबसे शुरुआत में सन 1980 में ARDE के अंतर्गत शुरू किया गया। ARDE DRDO की एक संस्था है। ये ARDE का मतलब होता है आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। उसके अंदर सन 1980 में इंसास राइफल का डेवलपमेंट शुरू किया गया था। इंटीरियर प्रोडक्शन ऑफ राइफल एंड LMG बिगन एट राइफल फैक्ट्री ईशापुर इन 1997। 1980 में इसका डेवलपमेंट शुरू कर देने के बाद इसका इंटीरियर प्रोडक्शन राइफल LMG मतलब इंसास राइफल की राइफल और इंसास की ही LMG का उत्पादन राइफल फैक्ट्री ईशापुर में सन 1997 से प्रारंभ हो गया था। आगे बात की जाए तो थिनली प्रोड्यूस्ड एट स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर आल्सो। छोटे रूप में उत्पादन की यदि बात की जाए तो कानपुर में भी इसका उत्पादन स्मॉल आर्म फैक्ट्री में शुरू कर दिया गया है। फर्स्टली इंसास वेपन इशू टू फ्रंट लाइन यूनिट्स इन 1998। इंसास राइफल के बन जाने के बाद फर्स्ट टाइम इंसास राइफल को 1998 में हमारी फ्रंट लाइन यूनिट्स को इशू किया गया था। 1998 में फ्रंट लाइन यूनिट को इंसास राइफल दे देने के बाद नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि गॉड डिले एंड फाइनली इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी इन अर्ली 1999। 1998 में फ्रंट लाइन यूनिट्स को इंसास राइफल दे देने के बाद कुछ समय का होल्ड हुआ, डिले हुआ और फाइनली सन 1999 में इंसास राइफल को फाइनली इंडक्ट कर दिया गया इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने के लिए सन 1999 में इस राइफल को प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट यूज ड्यूरिंग कारगिल वॉर इन समर ऑफ 1999। इस राइफल का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल कारगिल युद्ध के समय किया गया था। कारगिल युद्ध जो कि सन 1999 में हुआ। एक्सपोर्ट वर्जन आल्सो डेवलप्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन मॉडल। इंसास राइफल के कुछ मॉडल हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं दूसरे देशों में भी। अब दूसरे देशों में जो मॉडल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनका डिज़ाइन कुछ डिफरेंट है
हमारी इंडिया में इस्तेमाल की जा रही इंसास राइफल से, क्योंकि जिस कंट्री में उस वेपन को एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहाँ के वातावरण या वहाँ की आर्मी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कुछ संशोधन या बदलाव कर दिए जाते हैं। करेंटली एक्सपोर्टेड टू तुर्की, नेपाल एंड सम अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वर्तमान समय में इंसास राइफल को तुर्की, नेपाल और सम अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सो फार राइफल एंड एलएमजी हैव बीन डेवलप्ड। इंसास राइफल की राइफल और एलएमजी डेवलप पूर्ण रूप से हो चुकी है, और साथ ही यदि बात की जाए इसकी कार्बाइन की तो कार्बाइन भी अंडर प्रोसेस थी, लेकिन अब 5.56 mm इंसास की फैमिली में एक कार्बाइन बनकर तैयार हो चुकी है। तो 5.56 कैलिबर पर हमें राइफल, एलएमजी और कार्बाइन तीनों प्रदान हो चुके हैं। दोस्तों अब अगर बात करें इंसास राइफल के जो फीचर हैं वो किस प्रकार से होते हैं, अब इंसास राइफल ही नहीं फीचर ऑफ इंसास फैमिली, 5.56 mm के जो कैलिबर होते हैं उस कैलिबर पर जो भी वेपन बन रहे हैं चाहे वो राइफल हो, एलएमजी हो या कार्बाइन हो, उसमें किस प्रकार का फीचर दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट, शीट मेटल प्रेस्ड बॉडी 1.8 mm थिकनेस। इंसास राइफल की यदि बात की जाते हैं, इंसास राइफल की जो बॉडी है वो 1.8 mm थिकनेस के साथ शीट मेटल प्रेस्ड बॉडी की बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमियम प्लेटेड बैरल सिलेंडर एंड फायरिंग पिन। इंसास राइफल पर जो सिलेंडर, बैरल और फायरिंग पिन दिया गया है उस पर क्रोमियम प्लेटेड है, जो कि जंग रोधक एक धातु होती है। इस राइफल पर लगातार फायर करने के दौरान भी इस राइफल पर जंग नहीं लग सकता। प्लास्टिक फर्नीचर का इस राइफल पर इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसुलेंट प्लास्टिक मैगजीन, राइफल पर ट्रांसपेरेंट मैगजीन दिया हुआ है, जिससे कि आप मैगजीन में राउंड भरने के बाद उसे मैगजीन को बिना खाली किए भी आप गिन सकते हैं कि मैगजीन में कितने राउंड भरे हुए। कॉमनलिटी ऑफ पार्ट्स, इंसास फैमिली में बने हुए वेपनों में राइफल, एलएमजी और कार्बाइन, इनके पार्ट्स कॉमन हैं, मतलब एक ही प्रकार के हैं। आवश्यकता होने पर आप इंसास की एलएमजी के पार्ट्स को राइफल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और राइफल के पार्ट्स को एलएमजी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात की जाए तो रिकॉइल इज रिड्यूस्ड बाय 70%। अन्य राइफलों यानी कि 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल की अपेक्षा इस राइफल पर राउंड के फायर होने से जो रिक्वायल एनर्जी यानी कि पीछे का झटका आता है उसे इंसास राइफल पर SLR की अपेक्षा यानी सेल्फ लोडिंग राइफल की अपेक्षा 70% कम किया गया है। TRB फैसिलिटी इन राइफल, इंसास राइफल पर TRB फैसिलिटी दी हुई है, यानी कि इस राइफल पर फायर करने के लिए चैन लीवर का एक मोड दिया हुआ है जिसको ब्रस्ट मोड कहा जाता है। उस मोड पर यह 3 राउंड का ब्रस्ट फायर करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसास राइफल किस प्रकार से 3 राउंड का ब्रस्ट फायर करती है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे इस लिंक को आप चेकआउट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको 3 राउंड ब्रस्ट सिस्टम फायर होने के सिस्टम का वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फॉरवर्ड रोटेटिंग बोल्ट लॉकिंग हाई एक्यूरेसी। इस राइफल पर फॉरवर्ड रोटेटिंग बोल्ट का सिस्टम दिया गया है, मतलब जब ये राइफल लॉक और अनलॉक होती है तो बोल्ट लॉक या अनलॉक होते समय फॉरवर्ड की तरफ रोटेट करता है आगे की ओर और राइफल को लॉक कराया जाता है, जिससे कि एक्यूरेसी हाई होती है। हाई मजल वेलोसिटी इस राइफल पर दी गई है। इस राइफल की मजल वेलोसिटी 915 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्टिकल साइट इस राइफल पर प्रोवाइड की गई हैं। इस राइफल की बॉडी पर जो ये बॉडी कवर लगा हुआ है इसके ऊपर लगे हुए पार्ट को डाउटेल कहा जाता है। इस डाउटेल पर आप इस राइफल पर ऑप्टिकल या एडिशनल साइटें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेनेड साइट इस राइफल पर दी गई है। यदि आप राइफल से ग्रेनेड को फायर करना चाहते हैं तो इस राइफल पर ये एक ग्रेनेड साइट दी गई है। इस ग्रेनेड साइट को इस्तेमाल करके आप राइफल से ग्रेनेड फायर भी कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ बैनेट, इंसास राइफल पर जो बैनेट दिया गया है वो मल्टीपर्पज़ है, जिसके मात्र बैनेट फाइटिंग ही नहीं और भी इस राइफल के बैनेट से अलग अलग काम लिए जा सकते हैं, यानी कि इस राइफल के बैनेट से आप बैनेट फाइटिंग के अलावा भी बहुत सारे एडिशनल काम कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंसास राइफल के जर्नल डाटा के बारे में। सबसे पहले कैलिबर,
इस राइफल का कैलिबर 5.56 mm का होता है। लेंथ यानी कि राइफल की लंबाई, इस राइफल की कुल लंबाई 960 mm होती है। वेट विथ फील्ड मैगजीन, राइफल का भरी हुई मैगजीन के साथ वजन 4 किलो 108 ग्राम का होता है। वेट विदाउट मैगजीन, यदि इस राइफल से मैगजीन को हटा लिया जाए तो इस राइफल का वजन 4 किलो 18 ग्राम होता है। वेट विथ मैगजीन एंड बैनेट, बैनेट लगाकर और मैगजीन को चढ़ाकर इस राइफल का वजन 4 किलो 373 ग्राम का हो जाता है। अब बात करते हैं वेट ऑफ एम्प्टी मैगजीन, इस राइफल की खाली मैगजीन का वजन 90 ग्राम। मैगजीन कैपेसिटी, इस राइफल इंसास राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जा सकते हैं, तो इंसास राइफल की मैगजीन में 20 राउंड भरे जा सकते हैं। सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, राइफल के काम करने का सिद्धांत, इंसास राइफल के काम करने का सिद्धांत लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम का होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन का सिस्टम किस प्रकार से काम करता है तो ऊपर आई बटन पर आप चेकआउट कर सकते हैं, या इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। बैनेट का वजन, बैनेट वेट 305 ग्राम। लेंथ ऑफ बैनेट, बैनेट की लंबाई 285 mm। लेंथ ऑफ बैरल यानी कि राइफल के बैरल की लंबाई 465 mm। टाइप ऑफ फायर, राइफल से किस प्रकार के टाइप दिए गए हैं फायर करने के लिए, तो इस राइफल पर दो प्रकार के फायर मोड दिए गए हैं, पहला सिंगल शॉट, दूसरा टीआरबी यानी कि ब्रस्ट मोड, जिसमें राइफल एक बार ट्रिगर को दबा कर रखने पर 3 गोलियां फायर करती है। दोबारा 3 गोलियां फायर करने के लिए ट्रिगर को रिलीज करना होता है और फिर ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो फिर वो 3 ही गोलियां फायर करेगी। रिक्वायर्ड एनर्जी, इंसास राइफल के राउंड को फायर कर देने के बाद बट पीछे की तरफ जो झटका मारता है उसे रिक्वायर्ड एनर्जी कहा जाता है। इंसास राइफल पर 4.5 जूल की रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। मजल वेलोसिटी की यदि बात करें तो राउंड के फायर होने के बाद पहली बार जब बुलेट बैरल को छोड़ता है तो उसकी जो अधिकतम रफ्तार होती है उसे राइफल की मजल वेलोसिटी कहा जाता है। इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी 915 मीटर प्रति सेकेंड की होती है। इफेक्टिव रेंज यानी कि कारगर रेंज, इंसास राइफल की कारगर रेंज 400 मीटर होती है। ओवरऑल लेंथ, इस राइफल की कुल लंबाई 1110 mm होती है। ग्रुप्स, इस राइफल पर 6 ग्रुप्स दिए गए हैं। राइफल में ग्रुप्स का अर्थ होता है कि बैरल के अंदर जो राइफलिंग दी होती है उसे ग्रुप्स कहा जाता है। इंसास राइफल पर 6 ग्रुप्स हैं, उसका घुमाव राइट हैंड साइड यानी कि दाहिनी ओर होता है। पिच, इस राइफल पर एक टर्न जो है वो 200 mm का दिया गया है। अगर आप पिच के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पिच के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। रेंज ग्रेजुएशन यानी कि बैक साइड पर दी हुई रेंज है। इंसास राइफल पर बैक साइड पर 200 मीटर और 400 मीटर की रेंज दी गई। नाइट एमिंग के लिए इसमें बीटा लाइट सोर्स दिया गया है, जिसे डॉटेल पर इस्तेमाल करके नाइट में भी आसानी से फायर किया जा सकता है। साइटिंग रेडियस, फोर साइट और बैक साइट के बीच की जो दूरी होती है उसे साइटिंग रेडियस कहा जाता है। इंसास राइफल पर साइटिंग रेडियस 470 mm का होता है। साइक्लिक रेट ऑफ फायर, इंसास राइफल से यदि आप लगातार फायर करते जाएं तो उस इंसास राइफल का साइक्लिक रेट ऑफ फायर 600 राउंड प्रति मिनट का होता है। इंटेंस फायर मतलब इंटेंस रेट ऑफ फायर, यदि राइफल से सिस लेने के बाद बार बार ट्रिगर दबाया और छोड़ा जाए तो कितने राउंडों को फायर किया जा सकता है, तो 150 राउंड प्रति मिनट इंटेंस फायर इसमें किया जाता है। लॉकिंग सिस्टम, इंसास राइफल का लॉकिंग सिस्टम रोटेटिंग बोल्ट एट 30 डिग्री होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये रोटेटिंग बोल्ट एट 30 डिग्री का लॉकिंग सिस्टम क्या है तो ऊपर आई बटन पर आ रही लिंक पर इंसास की चाल का वीडियो दिया गया है, और इसी वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में को मैं शेयर कर दूंगा, वहां से भी इंसास राइफल की चाल के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आप समझ सकेंगे कि रोटेटिंग बोल्ट एट 30 डिग्री का फंक्शन किस प्रकार से काम करता है। अब बात करते हैं इंसास राइफल के एमिनेशन के टेक्निकल डाटा के बारे में। इंसास राइफल पर इस्तेमाल होने वाले एमिनेशन का नाम 5.56 mm into 45 mm rimless एमिनेशन होता है। इसे मार्क वन एमिनेशन भी कहा जाता है। यह एमिनेशन कॉमन फॉर ऑल द वेपन इन असॉल्ट राइफल, LMG एंड CMG। मतलब 5.56 mm कैलिबर के वेपनों में, चाहे राइफल हो या LMG हो या उसकी कार्बाइन हो,
इन तीनों ही वेपनों पर यही एमनेशन यानी कि 5.56 mm इंटू 45 mm का रिमलेस एमनेशन इस्तेमाल हो जाता है। इंसास राइफल की यदि बात की जाए तो इंसास राइफल पर 7 प्रकार के कार्टिज या एमनेशन आते हैं। सबसे पहला बाल राउंड, जिसे कि हम लाइव राउंड के नाम से जानते हैं, जिसका इस्तेमाल दुश्मन को या टारगेट को एंगेज करके उसे बर्बाद करने के लिए किया जाता है। नंबर दो पर आता है ट्रेसर राउंड। ट्रेसर राउंड जवानों को राउंड फायर होने के बाद राउंड की ट्रेजेक्ट्री को दिखाने के लिए इस राउंड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट राउंड ब्लैंक राउंड, जिसे कि आवाजी कारतूस कहा जाता है। इसका काम सिर्फ आवाज करना होता है, इसमें आगे कोई बुलेट नहीं होता है, तो ये किसी टारगेट को जाकर किल नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, यदि ब्लैंक राउंड से किसी दुश्मन को नज़दीक बैरल करके फायर किया जाए तो वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जला सकता है या घायल कर सकता है। नेक्स्ट बैलिस्टिक या HD कार्टिज, इस कार्टिज का इस्तेमाल इंसास राइफल से ग्रेनेड को फायर करने के दौरान किया जाता है। HD का मतलब होता है हाई डेंसिटी कार्टिज। नेक्स्ट ड्रिल कार्टिज, ड्रिल कार्टिज का इस्तेमाल जवानों को हैंडलिंग या मैगजीन भरने की सिखलाई देने के दौरान किया जाता है। प्रूफ राउंड, प्रूफ राउंड वह राउंड होता है जब यह राइफल आर्सेनल पर बनकर यानी फैक्ट्री पर बनकर तैयार होती है, तो इसकी बैरल को प्रूफ करने के लिए कि इसकी बैरल पर प्रॉपर तरीके से राइफलिंग और ग्रूव्स कटे हुए हैं और बैरल में राउंड के फायर होने पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, उसे चेक करने के लिए प्रूफ राउंड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है इंस्पेक्शन राउंड। इंस्पेक्शन राउंड वह राउंड होता है जब फायरर राइफल को ट्यूनिंग अप और स्टॉकिंग अप करा लेने के बाद रेंज पर ले आकर राउंड फायर करता है। उससे पहले आर्मोरर द्वारा राइफल को जब चेक किया जाता है तो उस समय आर्मोरर इस इंस्पेक्शन राउंड का इस्तेमाल करके बैरल को चेक करता है। तो इस प्रकार से इंसास राइफल पर 7 प्रकार के एमनेशन आते हैं। पहला बाल राउंड, दूसरा ट्रेसर राउंड, तीसरा ब्लैंक राउंड, चौथा बैलिस्टिक या HD कार्टिज राउंड, पाँचवा ड्रिल कार्टिज, छठा प्रूफ राउंड और नंबर 7 पर इंस्पेक्शन राउंड। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5.56 mm इंसास राइफल का इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी, यानी कि आपको इंसास राइफल की परिचय, उत्पत्ति और विशेषताओं के बारे में जानकारी मिली होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।